अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग बेंजीन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉलोइंग विल नॉट इजीली अंडरगो फ्लीडरक्राफ्ट रिएक्शन, करेक्ट आंसर इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्लीडरक्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू टू प्राइमरी रीजंस। अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के केस में हमारे पास बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप होता है। जब बेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप अटैच होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से विथड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से विथड्रॉ किया जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी बेंजीन रिंग पर वो कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल होगा कि वो बेंजीन रिंग पर आकर अटैक करे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्लीडरक्राफ्ट रिएक्शन, गॉट इट। अब जो हमारे पास बाकी तीन ऑप्शंस हैं, उन तीनों में बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच होता है जिसकी वजह से वो फ्लीडरक्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप अटैच होता है इसलिए वो फ्लीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, गॉट इट। अब आपको कैसे पता लगा नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है? आज के इस वीडियो में मैं जब आपको आल्दो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप होता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, गॉट इट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेंजीन हैज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एसिटाइलीन इज पास्ड थ्रू ऑर्गेनिक निकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेल्सियस गिव्स, करेक्ट आंसर इज बेंजीन। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, एसिटाइलीन से बेंजीन बना है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल, आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बेंजीन एक्सेप्ट, करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आप लोगों ने ये चार पॉइंट्स याद रखने हैं, बेंजीन हैज 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि हमारे पास पहले तीन ऑप्शंस तो ठीक थे, लेकिन जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन था इसमें इन्होंने कहा था इट हैज़ 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और हमने अभी देखा है कि बेंजीन के पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंजीन के पास 10 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो बेंजीन के पास 10 सिग्मा बॉन्ड्स नहीं होते, 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये होता है, सबसे पहले आता है सी डब्ल्यू एच, देन सी एन, सी एच ओ, सी ओ सी एच थ्री, ओ एच, NH2, OR एंड देन R। अब आपको तीन ऑप्शंस दिए गए थे, इन तीनों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि किसका ऑर्डर ठीक नहीं लिखा हुआ, तो जो C ऑप्शन है उसमें ऑर्डर ठीक नहीं लिखा हुआ। देखिए इसमें सी डब्ल एच सबसे एंड पे दिया गया है, हालांकि ये सबसे पहले आना चाहिए। इसके अलावा CHO एंड CN में CN को पहले आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख लें कि जो सी था इसमें हमारे पास ऑर्डर ठीक नहीं लिखा हुआ था, और एमसीक्यूज में इन्होंने यही पूछा हुआ था कि किस ऑप्शन में ऑर्डर ठीक नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमने कहा था कि सी ऑप्शन में हमारे पास ऑर्डर ठीक नहीं लिखा हुआ, गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कन्वर्जन ऑफ टोरीन इनटू बेंजोइक एसिड कैन बी अचीव्ड बाय, करेक्ट आंसर इज बीटा। कन्वर्जन ऑफ टोरीन इनटू बेंजोइक एसिड कैन बी अचीव्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4, गॉट इट। कन्वर्जन ऑफ टोरीन, अगर अब आप लोगों को इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आ जाए कि वो आपको स्ट्रक्चरल देके पूछें कि बताएं कि ये हमारे पास आल्डो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होगा या आल्डो पैरा डायरेक्टिंग डी एक्टिवेटिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा डी एक्टिवेटिंग होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास आल्डो पैरा है, एक्टिवेटिंग है या डी एक्टिवेटिंग है? इसको फाइंड करने के लिए मैं अब आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर देके वो आपसे पूछें तो आप इजीली उसे बता सकें, तो देखें वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप आपके पास आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एंड कौन सा ग्रुप आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसे फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आप एक बार देख लें। अब आप कंसीडर करें कि आपके पास दो एटम्स होते हैं ना, तो जो पहला एटम है वो आपके पास ए है और जो दूसरा एटम है वो बी है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कहा, जो आपके पास दूसरा एटम होगा ना बी, वो जब ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा ना तो वो आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, लेकिन जब आपके पास बी ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा ना तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखिए NH2 में आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है, एच आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो ये आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। यानी अगर
आपके पास बाद में आने वाला ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो आपके पास आल्डो पैरा होगा, लेकिन अगर बाद में आने वाला ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो वो मेटा रिएक्टिंग होगा। अब जिस तरह आपने NH2 में देखा कि H जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बाद में आया, ये आल्डो पैरा है। लेकिन अब आप CN के केस में देखें कि जो N है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव बाद में आया, तो ये मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब आप बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। आल्डो पैरा रिएक्टिंग के केस में हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बाद में आता है। अब OH के केस में भी आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है हाइड्रोजन वो बाद में आया है ऑक्सीजन से। OCH3 के केस में भी ऐसे होता है। इसके अलावा जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो भी आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप के अंडर आते हैं, ठीक है। मेटा रिएक्टिंग ग्रुप में आप देख सकते हैं, देखिए NR3। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो R होता है उसकी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होता है, लेकिन देखिए नाइट्रोजन के साथ इन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इलेक्ट्रो नेगेटिव जब बाद में आया तो वो मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है। अब COOH के केस में भी देखें, जो OH होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, ये बाद में आया है, तो ये भी मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है। बेंजीन के साथ आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, इसके अलावा बेंजीन के साथ मेटा रिएक्टिंग ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। अगर तो बेंजीन के साथ आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप अटैच है तो वो एक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं। बेंजीन के साथ अगर हैलोजन अटैच होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग होगा। अगर हैलोजन के अलावा कोई भी और आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होगा तो वो एक्टिवेटिंग होगा। इसके अलावा अगर बेंजीन के साथ कोई भी मेटा रिएक्टिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग ही होगा। गॉट इट? यानी अगर बेंजीन के साथ आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप अटैच है तो वो एक्टिवेटिंग भी हो सकता है, वो डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है। एक्टिवेटिंग किस केस में होगा? अगर हैलोजन्स के अलावा कोई और ग्रुप आके अटैच हो। डीएक्टिवेटिंग किस केस में होगा? अगर हैलोजन आके अटैच हो बेंजीन के साथ। और मेटा रिएक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जो भी लग जाए वो डीएक्टिवेटिंग होगा। गॉट इट? हम अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन देखेंगे। देखें, इसमें बेंजीन रिंग हैलोजन के साथ अटैच थी। हैलोजन आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा है कि जब बेंजीन हैलोजन के साथ अटैच होगी तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था ये डीएक्टिवेटिंग आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप है। सेकंड में आप देखें कि जो हमारे पास नाइट्रो होता है ये मेटा रिएक्टिंग ग्रुप होता है, और मेटा रिएक्टिंग ग्रुप हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसके बाद आप थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखें, इसमें देखें बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, ये हमारे पास आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप होता है। अगर हैलोजन के अलावा कोई भी आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने थर्ड में कहा एक्टिवेटिंग आल्डो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप। गॉट इट? नेक्स्ट MCQs पर जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट MCQs, विच वन इज मोर रिएक्टिव? करेक्ट आंसर इज बेंजीन। आप रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर भी एक दफा देख लें। एनिलीन, फिनोल, टोरीन, बेंजीन, हेलोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। अब बेसिकली इस ऑर्डर को याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक, तो इसे याद करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों ने याद रखना है, आल्डो पैरा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से, बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोबेंजीन से, हेलोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटाबेंजीन से। आप एनिलीन में देखें, आपके पास जो बेंजीन होता है उसके साथ NH2 अटैच होता है। फिनोल में बेंजीन के साथ OH अटैच होता है। टोरीन में बेंजीन के साथ CH3 अटैच होता है। अब NH2, OH एंड CH3, ये तीनों आपके पास आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं हैलोजन्स के अलावा, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेशन देते होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो NH2 होता है, OH होता है, CH3 होता है, ये तीनों के तीनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेंजीन आता है। बेंजीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है हेलोबेंजीन से। हेलोजन जो होती है ना वो हमारी रिंग को डीएक्टिवेशन प्रोवाइड करती होती है, इसलिए जो हेलोबेंजीन होती हैं वो बेंजीन के बाद आती हैं। फिर हेलोबेंजीन से भी जो कम रिएक्टिविटी होती है वो मेटाबेंजीन की होती है, क्योंकि जो मेटा रिएक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग में। गॉट इट? आल्डो पैरा ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं मेटाबेंजीन से? देखें, आल्डो पैरा में हमारे पास बेंजीन के साथ आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होते हैं, और जो आल्डो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को देते हैं और रिंग की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मेटा केस में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास बेंजीन के साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होता है ना, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होते हैं, ये जो बेंजीन होती है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करती हैं और रिंग की डीएक्टिवेशन में इन्वॉल्व होती है। गॉट इट?
उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितनी शॉर्ट ट्रिक्स थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी एमसीक्यूज की, किसी शॉर्ट ट्रिक की, किसी पॉइंट की आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।